तो गाइज ये पूरा पुल है, ये जो श्रीनगर से नथानी गांव को जोड़ रहा हमने डैम। और भाई हल्का हल्का डर तो मुझे भी लग रहा है स्कूल में चढ़ने के बाद, क्योंकि चारों ओ भाई मम्मी तो बड़ा डरती है भाई। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम उत्तराखंड। और आज मुझे हो गया भाई दूसरा दिन यहाँ पे, ठीक है। कल तो यार मैं थोड़ा सा बिजी रहा, एक तो नींद भी पूरी नहीं, तो बहुत सोया भी, फिर थोड़ी बहुत जगह घूमने भी चला गया था रोहित के साथ। तो बाकी आज तो हम लोग गाइज काफ़ी ज़्यादा फ्री है, ठीक है। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कहीं जाने की कि एक्सप्लोर करें क्या करें, मतलब जो भी हो। बाकी तुम्हारा भाई नहा चुका है अभी, देखो एकदम टिप टॉप, पवार साहब एकदम टिप टॉप हो गए, नहा चुके हैं। और उसके बाद अभी मुझे जाना है नीचे यार, मुझे क्योंकि थोड़े से कपड़े जो हैं वो नीचे देने थे, तो मैं अभी नीचे ही जा रहा था, है ना। बाकी तो यार बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो रखा, पर एक कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रहा है यहाँ पे, कुछ काम चल रहा है आई थिंक हमारे रूम के सामने, तो इतना अच्छे से मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा। बाकी मैं तुम्हें बाहर के व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से मेरे रूम से क्या ही मस्त व्यू आते हैं, मतलब ज़्यादा खास नहीं आते पर बढ़िया आते हैं जो भी आते हैं, है ना। तो रुको दिखाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ व्यू आता है भाई मेरे रूम के सामने से, यहाँ ऊपर देख रहे तुम पहाड़ है, ठीक है, और ये सामने साइड भी। बाकी यहाँ तो कुछ काम चल रहा है तो इसलिए कुड़कुड़ की ज़्यादा आवाज़ आ रही। बाकी तो यार अभी मैं जा रहा था नीचे तो मैं रूम की चाबी देख रहा था, मैं कहाँ चली गई, मैं वही देख रहा हूँ बड़ी देर से, मेरे को रूम की चाबी नहीं मिल रही, मैं लॉक करके कहीं इधर उधर रख दी। अब मेरे को रूम की चाबी ढूंढनी पड़ेगी, फिर मैं लॉक लगाता हूँ फिर नीचे जा रहा भाई, है ना। तो एक मिनट यार पहले मैं रूम की चाबी ढूंढ लूँ यार, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया भाई मैं, रुक जाओ यार एक बार रूम की चाबी देखी। बाकी गाइस अभी तो मैं आ गया हूँ नीचे, क्योंकि चाबी मिल गई थी मेरे को, तो मैंने फटाफट से लॉक लगा दिया और अब मैं जा रहा घर की तरफ। तो हमारे होटल से जो मेरी मौसी का घर है पास में ही है, मतलब ये होटल है इस गली में और सामने वाले उसमें मेरी मौसी का घर है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ, है ना। चलिए बाकी गाइज ये आता है भाई मेरी मौसी के यहाँ से व्यू, जो कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है ना। तो ये पूरा श्रीनगर वाला पहाड़, वो भी वो सामने चौरास हो गया, वो जहाँ वो पुल दिख रहा है वो भाई मेट्रो, सॉरी ये नहीं सॉरी वो वाला जो उधर पुल है कुछ, वो ट्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो उत्तराखंड में ट्रेन आने वाली भाई काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम में, तो ये उसका ही काम चल रहा है ना। बाकी तो उधर भी मैं जाऊँगा एक बार अगर मौका लग गया तो दिखाई देंगे, है ना। बाकी तो पीछे ही पहाड़, सामने ही पहाड़, इधर भी पहाड़ी पहाड़, वाह भाई वाह। बाकी भाई हवा बिल्कुल नेचुरल एकदम, मज़ा आ गया। बाकी तो यार हवा बिल्कुल नेचुरल है भाई, है ना, जितनी हवा लो, मतलब मैं तो कह रहा हवा भर के दिल्ली ले जाओ भाई, मतलब इतनी बढ़िया हवा भाई, है ना। बाकी तो यार मैं अभी नाश्ता कर ले रहा क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना, अब तो बहुत हो गया। एक तो मैं वैसे ही लेट सो के उठा तो अब नाश्ते का टाइम हो ही गया, तो अब नाश्ता करते हैं, है ना, फिर चलते हैं ब्रो, क्या कर सकते हैं आज देखेंगे, लेट्स गो। तो बाबा पहुंच गए हम लोग जहाँ पे खाने का सारा प्रोग्राम सेट हो रखा है, ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा लगा हुआ है इधर पीछे पीछे, और वाजी वाह। तो यार पहाड़ों में ऐसी चीज़ें, मतलब पहाड़ों की शादी, मतलब क्या, मतलब मज़ेदार एकदम। जो बाकी बॉयज़ ये जो मेन वेन्यू है जहाँ पे शादी वगैरह होगी, इधर खाने पीने का, और इधर पीछे शायद पार्किंग वार्किंग का कोई सीन वगैरह है, है ना। बाकी तो शायद अपना इधर ही है अभी का, अच्छा चलो। बाकी भाई बाकी खाने वाने का तो सिस्टम पीछे ही सेट है। बाकी गाइज यार यहाँ पे जो है अभी नाश्ता वास्ता करने में इधर आ रखे, बाकी पीछे पूरा शादी का हॉल है। भाई यहाँ पे चाय पूरी, इसमें क्या है और ये क्या है, छोले, और ये छोले, बहुत बढ़िया भाई, ये सही है भाई, सुबह पूरी छोले। चलो गाइस खाना निकालते हैं, खाना खाएंगे। बाकी तो क्यूटीज यहाँ पे बैठने वाला सीन है जहाँ पे लोग बैठे करेंगे, और सामने भाई ये जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। तो अभी तो ऐसे ही है, मतलब अभी तो शायद यहाँ कोई शादी है नहीं मेरे ख्याल से, या है पता नहीं। बाकी 5 तारीख को तो सब कुछ सजी जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। बाकी पूरा भाई ग्राउंड है सामने का, ठीक है, जहाँ पे पंडाल वंडाल जो भी, मतलब बंदे बराती वराती आए करेंगे, ठीक। बाकी ये पूरा सही सिस्टम बना रखा भाई, और ये इन्होंने बताया कि इन्होंने इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का सिस्टम भी लगा रखा है जिससे बारिश वारिश आए तो बच जाए। सही है भाई, पहाड़ों के बीच की शादी तो मतलब एक नंबर होती ही है ना।
बाकी ये सामने पहाड़ भी दिख रहे हल्के हल्के, और ये हमारे साथ बिट्टू। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है, क्या कर रहे हो, ऐसे यहाँ देख के बोलो ना, बोलो हेलो गाइस, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बोलो आशु ब्लॉग, ऐसे करो आशु ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, सरप्राइज करो, सब्सक्राइब करो, बोलो सब सब्सक्राइब करो, करो ये ऐसे ताली मार दो कैमरे पे, मारो मारो ये, चलो आ जाओ। बाकी भाई लोग यार अभी हम लोग आ चुके नीचे, अभी हम जा रहे हैं भाई सामने जहाँ नदी है, अभी तो मुझे यहीं से दिख रही है भाई नदी का फ्लो काफ़ी बड़ा है, मतलब यूँ चल रही बिल्कुल ज़्यादा ही फ्लो है। ये देखो ये डैम है सामने, मतलब ये डैम है, डैम का सामने से पानी नीचे आता है, फिर यहाँ से पानी जो सामने देख रहे हो ना ये, यहाँ से पानी इधर को चले जाता है इस साइड को, मतलब तो ये पूरा बड़ा सा डैम बना रखा, और भाई इसने काफ़ी ज़्यादा पानी रोक रखा भाई। तो गाइस ये पूरा पुल है, ये जो श्रीनगर से नथानी गांव को जोड़ रहा है ना, ये श्रीनगर इधर पीछे और सामने नथानी गांव। बाकी तो अभी हम इस पुल पे चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है भाई कि पुल के ऊपर चलते हुए, ये देखो भाई बीच नदी में पुल है, और ये मेरी मम्मी तो भाई डरते हुए, बाकी तो यार पुल हिल रहा पूरा का पूरा, और ये पूरे पुल में चढ़ रखे, और नीचे तुम लोग देख रहे होंगे वो पानी है, बाकी कुछ लोग तो आगे चले गए, मैं तो यहीं रुका हुआ। बताओ मौसी, बोलो आज हम कहाँ आ रखे, हम आज नैथाना गाँव जा रहे, नैथाना गाँव जा रहे, चलो फिर आ जाओ। तो भाई यार मैं तो यहाँ तक आ रखा हूँ, और भाई हल्का हल्का डर तो मुझे भी लग रहा है स्कूल में चढ़ने के बाद, क्योंकि चारों दो भाई चारों तरफ पानी ही वो है, पानी ही पानी, बाकी तो गाइस बिल्कुल सेंटर में आ गया पुल के, पीछे पानी इधर पानी, और ये पुल यार हिल रहा है भाई, एक तो इसमें थोड़ा डर लग रहा है मेरे को चलने में भी कि साला इधर उधर ना हो जाए, ये तो बाबा हिलने लग रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। पहले तो भाई साइड हो जाते हैं यहाँ पे, तो भाई साहब स्कूटी वाले भी ऐसे आ रहे हैं, ये श्रीनगर में स्कूटी वाले बड़े खतरनाक चलाते हैं भाई, रैश चलाते हैं बिल्कुल ही। पहले तो मैं उधर चले जाऊँ किसी तरीके से, भाई साहब आ गया कोने तक तो आई गया ना पूरा, थोड़ा सा डर लग रहा बस जाने आने में, आ ही गए बाबा कोने से बिल्कुल। बाकी सामने से तो मम्मी और मामा लोग आ रहे इधर सामने से, मम्मी तो बड़ा डरती है भाई मेरी, तो धीरे धीरे से आ रही है। बाकी ये पुल यार यहीं स्कूटी वाले भी जा रहे हैं, और मतलब बाबा बहुत ही ज़्यादा वो है यहाँ कि मतलब कोई गिर गया ना तो दिक्कत सी है। ये देखो ये एक मतलब पुल के सामने ही ना एक पार्क सा है, मतलब छोटा सा पार्क है जहाँ पे फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो, बाकी सामने तो नदी का व्यू ही है ये रहा पूरा है ना, और जब भाई क्या कहते हैं उसे एक सेकेंड ना, तो भाई जब मान लो पानी भर जाता है ना तो पानी पता है यहाँ यहाँ तक भी आ जाता है बहुत बार, तो जब बीच में एक बार आपदा आपदा आई थी जब पानी भरा था तो पानी मतलब यहाँ यहाँ तक भी आ गया था मैंने ऐसा सुना है, तो अभी ये पता नहीं कितना सच है पर पानी ऊपर आ जाता है भाई यहाँ से भी, तो जैसे देख रहे हो ना पूरा इससे भी ऊपर आता है पानी, हाल फिलहाल आजकल तो कम है क्योंकि डैम ने शायद पानी छोड़ा नहीं इतना, तो आजकल थोड़ा कम पानी है, बाकी भाई है पानी बहुत गहरा, और पुल से तो भाई और डर लगता है, जैसे पुल से तुम नीचे देखोगे ना तो फटके हाथ में आ जाएगी वही वाला सीन है ब्रो। बाकी यार यहाँ पे तो ये लोग घोड़ों से माल क्या है ये मिट्टी सप्लाई कर रहे होंगे ऊपर, तो चलो चल रहे। That's alright, cause we found it. Stress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I realized I'll be found in the broken.